बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। प्रयागराज में बीजेपी के हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन कल है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल उद्घाटन करेंगे। कल शाम 4 बजे उद्घाटन करेंगे, वाराणसी से कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सभी कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कल होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सभी कैबिनेट मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। कल शाम 4 बजे ये उद्घाटन होगा। प्रयागराज में बीजेपी के हाईटेक कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। कल ये उद्घाटन शाम 4 बजे होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे। इस दौरान तमाम मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। कल शाम 4 बजे ये उद्घाटन होगा। खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में शुरू हुई तैयारी। 15 मार्च से निजी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी वैक्सीन। करीब 250 का चार्ज देकर करा सकेंगे वैक्सीनेशन। बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए मार्केट में भी उपलब्ध होगा टीका। बाजार से खरीद कर भी करा सकते हैं टीकाकरण। निजी हॉस्पिटल पर भी उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में 1 मार्च से दूसरे चरण का वैक्सीनेशन शुरू होगा। बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए मार्केट में भी टीका उपलब्ध होंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निजी हॉस्पिटल पर भी उपलब्ध होगा कोरोना का वैक्सीन। तो 15 मार्च से निजी हॉस्पिटल में भी उपलब्ध होगी यह वैक्सीन। और सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद यूपी में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकारी अस्पताल में मुफ्त में, तो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 250 रुपए के चार्ज पर ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो बाजार से खरीद कर भी करा सकते हैं टीकाकरण। खबर लखनऊ से, जहां पर गोरखपुर चिड़ियाघर में अब सुनाई देगी बब्बर शेर की दहाड़। गोरखपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का एक बड़ा कदम दिखाई दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर पहुंचेंगे गुजरात के शेर। अखिलेश यादव की लाइन सफारी के शेर अब योगी के गोरखपुर में रहेंगे। इटावा की लाइन सफारी से गोरखपुर जू के लिए शेर रवाना होंगे। आपको बता रहे कि गुजरात के बब्बर शेर, पटौदी और मरियम गोरखपुर रवाना हुए। चीता, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, हिरन, सियार, अजगर जैसे वन्य जीव गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है इटावा लाइन सफारी, और ऐसे में राप्ती नदी के तट पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया है चिड़ियाघर। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का यह ड्रीम प्रोजेक्ट इटावा लाइन सफारी है, और ऐसे में राप्ती नदी के तट पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया गया यह चिड़ियाघर। गोरखपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार का यह बड़ा कदम। गोरखपुर पहुंचेंगे गुजरात के शेर। आपको बता रहे कि अखिलेश यादव की लाइन सफारी के शेर अब योगी के गोरखपुर में रहेंगे। इटावा के लाइन सफारी से गोरखपुर जू के लिए रवाना हुए शेर, बब्बर शेरों को अब गुजरात के जो शेर फेमस रहते हैं उनको अब गोरखपुर में रखा जाएगा। चीता, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, हिरन, सियार, अजगर जैसे वन्य जीव गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचे। कल मेरठ में दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। केजरीवाल, मेरठ में आपकी किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी हो गई, कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे कल केजरीवाल। मेरठ में किसानों को कल संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करने का काम कल केजरीवाल करेंगे। मेरठ में आपके किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करेंगे केजरीवाल। तो मेरठ में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत की तैयारियां पूरी हैं। कृषि कानूनों को लेकर किसानों को संबोधित करने का कार्यक्रम कल केजरीवाल का रहेगा। मेरठ में आम आदमी पार्टी के किसान महापंचायत की तैयारियां लगभग पूरी बताई जा रही हैं, और कल
संबोधित करेंगे। तो कल महापंचायत को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी सभाजीत सिंह से खास बातचीत न्यूज वन इंडिया की हुई, वो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आपकी सरकार चलाने के बाद और दोबारा सत्ता में आने के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्या को लेकर, कृषि कानून को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल कहे जाने वाले मेरठ के संस्कृति रिसोर्ट में महापंचायत की तैयारियां पूरी है। मैं अंधेरे में जरूर खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ की जो तैयारियां हैं वो यहाँ ये बताने के लिए काफी है कि आप एक धमाकेदार शुरुआत करने जा रही है। हमारे साथ सभाजीत सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनसे जानते हैं तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। कल सुबह कितने बजे अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं? देश की संसद में चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के किसानों के हितों की अनदेखी करते हुए केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कृषि कानून पास किया उसको लेकर पिछले 3 महीने से देश का किसान आंदोलन है। दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान लगातार आंदोलन कर रहा है और ये चाहता है कि देश में एक काले कानून जो कृषि कानून है इसकी वापसी हो, लेकिन सरकार तानाशाही रवैये के जरिए वो उनकी बात नहीं सुन रही है। उस आंदोलन को मजबूती देने के लिए और किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये महापंचायत का जो आयोजन किया गया है। जी हाँ, अन्ना की विचारधारा को लेकर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस सभा स्थल पर सभा सिंह ने हमको बताया कि दिल्ली मॉडल के जरिए हम एक विकास का मॉडल रखने जा रहे हैं और शुरुआत शायद मेरठ से हो सकती है। अपने सहयोगी राजन सोनकर के साथ के न्यूज वन। तो वहीं अयोध्या से खबर है जहां पर इकबाल अंसारी से जुड़ी एक खबर सामने आई है। तो अयोध्या से यह खबर जहां पर तो आपको बता दें कि अयोध्या से खबर जो सामने आई है इकबाल अंसारी से जुड़ी है वो हम आपको बताएंगे। तो विश्व हिंदू परिषद पदाधिकारियों को प्रदान किया समर्पण निधि, मरहूम हाजी आशिम अंसारी के नाम का भी कटवाया कूपन। तो इकबाल अंसारी ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के नाम का भी कूपन कटवाया। अंसारी को ये समर्पण निधि उन्होंने सौंपी है और विहिप पदाधिकारियों को ये समर्पण निधि प्रदान की है। मरहूम हाजी हाशिम अंसारी के नाम का भी एक कूपन कटवाया है। तो इकबाल अंसारी ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के नाम का भी कूपन कटवाया। तो वहीं मथुरा में आज वृंदावन के अंदर वैष्णव कुंभ का पहला शाही स्नान था। पहले शाही स्नान पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है। आज वृंदावन में वैष्णव कुंभ का पहला शाही स्नान था। तो पहले शाही स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं की एक भारी भीड़ देखने को वहां पर मिली। श्रद्धा की आस्था की पहली डुबकी लगाते नजर आए। तो वृंदावन में वैष्णव कुंभ का शाही स्नान पहला आज निकला। तो वहीं इस दौरान मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की खास बातचीत हुई। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल साहब। सर, वृंदावन कुंभ का आयोजन अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि संत कुछ मांग रहे थे और प्रशासन कुछ, लेकिन उसके बाद अब सारे संत खुश हैं, पूरे आयोजन से खुश हैं, कितनी बड़ी चुनौती?
ये जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक ये जो मेला है ये 12 साल में एक बार वृंदावन में होता है, तो एक बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ पर जो किया जाना था उसके लिए वृहद तैयारियों के कराए जाने की आवश्यकता थी। इसमें सभी विभाग बड़ी तन्मयता से तल्लीनता से लगे और सभी हमारे जो साधु संतगण हैं आदरणीय सभी लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा गया। जहाँ जहाँ पर उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए उनका तत्परता से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया गया। तो विभिन्न जो समस्याएं थी बीच बीच में जैसे जैसे आती गई निस्तारण होते गए और जो अल्टीमेटली अच्छा ये रहा कि आज हम देख रहे हैं जो पहला कुंभ का स्नान का दिन है उस दिन सभी हमारे जो अखाड़े हैं सभी खालसे सभी हमारे सम्मानित साधु संतगण हैं वो सभी संतुष्ट हैं प्रसन्न हैं और पूरी आस्था के साथ सबने स्नान किया। लेकिन सबकी एक शिकायत थी कि अगर अगली बार जब ये हो तो कम से कम यमुना और साफ और स्वच्छ हो ताकि उनको डुबकी लगाने में ज़्यादा आसानी। यहाँ पर यमुना में गंगा जल को प्रवाहित किया गया है, पीछे से लगभग 650 क्यूसेक वाटर जो है वो इसमें प्रवाहित किया गया है जिस कारण से यमुना की स्वच्छता और निर्मलता में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। आज हम देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में हमारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ स्नान कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग यहाँ वृंदावन आए हैं परिक्रमा भी कर रहे हैं और इस दिव्य अवसर का सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। वो इसी बड़ी चुनौती जिस वक्त कोविड का एक तरह से प्रकोप थोड़ा थोड़ा तेज़ी के साथ रहा है तो उसको भी गाइडलाइन को भी मेंटेन करना और साथ ही इस भव्य आयोजन को करना तो अपने आप में एक टिपिकल टास्क एक बड़ी चुनौती थी, पर सभी अधिकारियों की मेहनत के कारण सभी अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा के कारण और लगातार मैं ये कहूँगा सभी साधु संत जो गण हैं उन सभी के साथ समन्वय उनके आशीर्वाद से सभी चीज़ें बड़ी सफलतापूर्वक कराई जा रही है। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे जिलाधिकारी मथुरा जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी चुनौती थी लेकिन उसे सफलतापूर्वक प्रशासन ने मिल करके उसको जो है उस चुनौती को कहीं ना कहीं पार पाया है और आज जो पूरा ये जो शाही स्नान का समय था ये भव्यता के साथ बीता और संत समाज भी इससे खुश नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव न्यूज वन इंडिया वृंदावन। तो वैष्णो कुंभ के दौरान पुलिस की तैनाती भी बढ़ी रही और ऐसे में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान और यात्रा देने के लिए प्रशासन की व्यवस्था कैसी रही इसी मुद्दे पर SSP गौरव ग्रोवर से एसोसिएट एडिटर ने खास बातचीत की। वृंदावन कुंभ के पहले शाही स्नान में सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, किस तरीके से उससे निपटा गया इस वक्त गौरव ग्रोवर साहब है। सर एक बड़ी चुनौती थी कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराना भव्यतम तरीके से इसको आयोजित भी करना, किस तरीके से हैंडल किया? देखिए कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक वृंदावन में आज 27 तारीख को माघी पूर्णिमा का शाही स्नान यहाँ पर प्रस्तावित था, उसके पहले शोभा यात्रा भी पूज्य साधु संतगणों की अध्यक्षता में यहाँ पर पूरे वृंदावन में भ्रमण उसका हुआ है। इसके साथ साथ जो श्रद्धालुगण क्योंकि होली का त्यौहार भी बसंत पंचमी पे यहाँ पर शुरू हो गया है तो परिक्रमा भी लगाते हैं, तो इन सभी आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए हमारे द्वारा एक पूरा प्लान बनाया गया है जिसमें कि मेला क्षेत्र में पुलिस की ड्यूटीज लगाई गई हैं सेक्टर जोन में बांट करके, CCTV कैमरा से हर जगह पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ जो हमारा ट्रैफिक प्लान है जिससे कि श्रद्धालु अगर दूर से भी चले हैं तो सुगमता से यहाँ पर आ सकें, ई रिक्शा के रूट तय किए गए हैं और इसके साथ साथ जो अभिसूचना इकाई है वो अभिसूचना इकट्ठी कर रही है। कोई अभी तक सुबह 3 बजे से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, लोग जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, अभी तक चीज़ें सभी ठीक चल रही हैं। पूरी उम्मीद है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं अच्छी स्मृतियाँ यहाँ से लेके जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि जब शाही स्नान होता है तो चूंकि अखाड़े स्नान करते हैं नागा सन्यासी स्नान करते हैं तो उनको मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है जो है उसको बेहतर तरीके से किया गया, संत समाज यहाँ पर खुश नजर आए। कुछ दिन बाद हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन है, यहाँ से संत वहाँ प्रस्थान करेंगे तो ये अपने आप में एक ट्रेलर भी है ताकि हरिद्वार में जो प्रशासन है वो भी इसको बेहतर तरीके से देख सके कि सीमित संसाधनों के बाद कैसे बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 14 तारीख को यहाँ पर आकर के इस मेले का उद्घाटन किया गया था, उन्हीं के दिशा निर्देशों के चलते हमारे द्वारा लगातार पूज्य संतगणों से जो है संपर्क बनाए हुए हैं, लगातार उनका बहुत सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज का ये पूरा आयोजन सकुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है और हमें पूर्ण आशा है कि ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में भी पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मिलता रहेगा और जो भी आयोजन आने वाले दिनों में यहाँ पर होने हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर संपन्न होंगे। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे SSP गौरव ग्रोवर जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा एक चुनौती थी लेकिन उस चुनौती का सामना हम सब ने मिलकर किया है और आज का आयोजन सफल हुआ और आगे आने वाले आयोजन भी सफल होंगे ये प्रशासन उम्मीद करता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव न्यूज वन इंडिया वृंदावन। खबर लखनऊ से है जहां पर भोजपुरी फिल्मों का ग्रैंड मुहूर्त देखा गया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले शामिल हुए, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे।
पूजा पाठ के बाद 5 फिल्मों का मुहूर्त था। सांसद अभिषेक किशन की भी मौजूदगी रही। निरहुआ समेत 5 भोजपुरी स्टार्स की भी 5 फिल्मों का मुहूर्त था। फिलहाल लखनऊ के कानपुर रोड स्थित होटल लेमन ट्री में ये कार्यक्रम रखा गया था। तो वो कौन कौन सी भोजपुरी फिल्में हैं वो हम आपको बता दें। रवि किशन की फिल्म हिंदुत्व का आज ये ग्रैंड मुहूर्त था। इसके अलावा दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म फसल, इसके अलावा खेसारी लाल यादव की फिल्म आस्तव, प्रदीप पांडे की फिल्म सन्यासी और अरविंद अकेला कल्लू की फिल्म जानेमन 2। तो ये 5 फिल्मों का ग्रैंड मुहूर्त आज लखनऊ में मनाया गया। यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली। 50,000 रुपए के इनामी राजकिशोर राय को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड के देवघर से पकड़ा गया राजकिशोर। फर्जी लाइसेंस और प्रपत्र बनाकर कानपुर के गन शॉप से बड़े पैमाने पर खरीदे थे कारतूस। फर्जी लाइसेंसिंग मामले में भी लंबे समय से वांछित था। तो झारखंड के देवघर से पकड़ा गया राजकिशोर एक बड़ी सफलता यहां पर एटीएस को लगी है। फर्जी लाइसेंस और प्रपत्र बनाकर कानपुर के गन शॉप से बड़े पैमाने पर कारतूस भी खरीदे थे। तो वहीं बाराबंकी से खबर, जहां पर आदर्श गौ सेवा संस्थान में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए कई गौवंश, लाखों के नुकसान की जताई जा रही आशंका। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। सूचना मिलने पर क्षेत्रीय विधायक रहे मौके पर मौजूद। टिकैतनगर थाने के आदर्श गौ सेवा संस्थान की यह पूरी घटना है। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस चौकी में जब्त वाहनों में लगी आग। आग लगने से कई वाहन जलकर खाक हो गए। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। कोतवाली सिटी के आवास विकास पुलिस चौकी पूरी घटना, जहां पर खड़े वाहनों में अचानक से आग लगी। जब्त हुए ये तमाम वाहन थे जिसमें आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की मदद से तत्काल ही उस आग को बुझाया गया। खबर लखनऊ से, जहां पर सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। डंपर में बाइक सवार को टक्कर मारी थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के खुरदही बाजार का मामला। तो सड़क हादसे में युवक की मौत पर हंगामा किया गया। डंपर ने एक बाइक को टक्कर मारी थी जिसमें युवक की मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया।